हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी विद एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है सुनील पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस आई एग्जाम बी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड UIICL AO की एग्जामिनेशन के बारे में। और टॉपिक क्या रहेगा हमारा, वो रहेगा भाई पास्ट ईयर में जो आपका एनालिसिस रहा है। मतलब कि बेसिकली यहाँ पर हम यहाँ पर सब्जेक्ट लेकर आए हैं QRE, कंप्यूटर एंड जीए, जो आपके टॉपिक हैं, जो आपके क्वांट इंग्लिश होता है। इसमें से आपके पिछले जो भी आपके एग्जाम्स हुए हैं उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे और उन्हीं टॉपिक के बेस पर आपको अपनी आगे की तैयारी के हिसाब से करनी है। वही सारी बातों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। आपको चीजें पता होनी चाहिए, डेटा आपके पास होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन जो अपनी करते हैं। इसलिए हम सब लोग बोलते हैं कि पीवाईपी जो होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले वो आपके पीवाईपीस करते हैं। सो अगर आपको कोई भी पीवाईपी चाहिए UIICL के रिगार्डिंग, वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। उसका लिंक आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, उसको आप वहां से क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 200 पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है वो AO की वैकेंसीज निकली है, जहां पर 100 आपकी स्पेशलिस्ट की पोस्ट है, 100 आपकी यहाँ पर जर्नलिस्ट की पोस्ट है। इस बार दोनों पोस्ट आपकी यहाँ पर आई है, लेकिन जब जनवरी में इसके फॉर्म आए थे तो सिर्फ यहाँ पर आपकी जो आपकी जर्नलिस्ट थी उनकी वैकेंसीज थी, और जब 2023 में इसके फॉर्म आए थे तो तब उस टाइम सिर्फ स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज थी। सो इस तरह से यहाँ पर वैकेंसीज आई हैं, उसके बाद अब यहाँ पर दोनों वैकेंसीज इन्होंने एक साथ यहाँ पर निकाली है। सो यहाँ जो हम एनालिसिस करेंगे वो करेंगे भाई QRE का ओवरऑल, की 2024 में कितना हुआ था, ठीक है। अगर आपसे बात करूं कि 2024 में कितना था, आप देखिए 23 में क्या था और उससे पहले 16 में कितना था जर्नलिस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। हालांकि इतना पुराना एनालिसिस काम नहीं आता है, बट फिर भी वहां से भी हम कुछ की पॉइंट्स है वो उठा सकते हैं, ठीक। चलिए, ये इस बार का एग्जामिनेशन पैटर्न है, जहां पर आपकी रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स, जीए और कंप्यूटर आपकी आने वाली है। 200 क्वेश्चन आएंगे और 250 आपके यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स होने वाले हैं। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश में 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स, क्वांट्स में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स और कंप्यूटर नॉलेज में 20 क्वेश्चन आपके 40 मार्क्स के अंदर आएंगे। सेक्शनल टाइमिंग इस बार ऐड कर दी गई है, सो ये इस बार नया एड ऑन है इस पैटर्न में। और एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार जाके आप देख लीजिएगा कि चेंजेस क्या है एग्जाम पैटर्न में, वहां पर मैंने आपको डिटेल में आपको समझाया हुआ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग की, फिर आएंगे हम इंग्लिश पर या फिर क्वांट्स, फिर आएंगे इंग्लिश पर, ठीक है। ऐसे आगे चलेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, अब यहां से 16 वाला अगर आप इग्नोर कर भी दें, बट मैं आपको इग्नोर करने दूंगा नहीं, बट आप देखिए पजल, सिटिंग, स्लॉग, ये आपका हर बार आता है, ठीक है। 10 नंबर की पजल, मतलब दो पजल कम से कम मानिए आप, ठीक है, मिनिमम दो पजल और मिनिमम दो सिटिंग अरेंजमेंट आपको हर बार देखने के लिए मिलती है आपके एग्जामिनेशन में। स्लॉगिज्म हर बार आता है, हर एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्लॉगिज्म। अभी नहीं आया था बट 2016 में आपका आया था इनइक्वालिटी। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, फिर ठीक है, फिर आपका डेटा सफिशिएंसी, वर्ड फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन और इस तरह के आपके जो आपके मिसलेनियस टॉपिक होती है, इसमें आपका अल्फान्यूमेरिक सीरीज आता है, ऑर्डर रैंकिंग आता है, वो सभी आपके इस वाले पार्ट में आते हैं। ये नंबर ज्यादा क्यों है, कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये 25 नंबर का हुआ था, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें स्पेशलिस्ट की, ठीक है। 24 में आपका जर्नलिस्ट था, 23 में आपका स्पेशलिस्ट था 25 नंबर का, ठीक है। बट आपके देखिए लॉजिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी और वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। सो यहाँ से आपने चार पॉइंट्स निकाले हैं, पजल है, सीटिंग है, स्लॉग है और आपका डेटा सफिशिएंसी जो है आपका, ये हर बार आपके एग्जाम में आ रहे हैं, इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट फिर बात करते हैं यहाँ पर क्वांट्स की। सिंपलीफिकेशन यहाँ पर भी था, 16 में भी था, नंबर सीरीज यहाँ पर भी था, 16 में भी था, DI हर बार आता है, ठीक है, 23 में नहीं आया था जब आपका स्पेशलिस्ट का एग्जाम हुआ था। अरिथमेटिक हर बार आएगा आपका, क्वाड्रेटिक इस बार भी था, 5 में भी था, 16 में भी था, मिसलेनियस इस बार भी थे और अप्रोक्सीमेशन आपका 2023 में आया था, ठीक है। आगे बात करते हैं इंग्लिश की, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कॉमन टॉपिक्स हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन RC हर बार आता है, ठीक है। उसके बाद फिर बात करेंगे हम एरर डिटेक्शन, स्पॉट द एरर, हर बार आता है, ठीक है। क्लोज टेस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड यूसेज हर बार आएगा, ठीक है। पैरा जंबल दो बार आ चुका है, ठीक है। वर्ड स्वैपिंग लास्ट ईयर 23 में आया था और ये फिलिप्स एंटोसिनोनिम, ये तो खैर नहीं आते उस टाइम पर, उन्होंने दिए दिए थे बट अभी आपके ये नहीं आते हैं, ठीक है। सो 23 का जो पैटर्न है वहां पर 25 नंबर के क्वेश्चन थे, लेकिन आप देखिए यहाँ पर हर एक एग्जाम में आपको यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर जो कुछ टॉपिक जो है वो कॉमन देखने के लिए मिल रहे हैं, जिनसे आप यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं कि क्या क्या आपको चीजों पर आपको फोकस करना है। रही बात कंप्यूटर की, ये कंप्यूटर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे आपका ये
यहाँ से क्वेश्चंस थे, एमएस ऑफिस से क्वेश्चंस थे, यहाँ से क्वेश्चन थे ब्राउजर से, और आपके शॉर्टकट के से क्वेश्चन थे। ये चार टॉपिक जो आपके हैं, चार टॉपिक जो है इनसे हमेशा क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। सो इन पर भी आपको भी जो है वो की फोकस करना है, ठीक है। सो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी कि मैंने यहाँ पर आपको क्या बताने की कोशिश करी। प्लस अगर आपको भाई UICL AO के रिगार्डिंग कोई ऑनलाइन कोर्स चाहिए, ठीक है, तो वो है हमारे पास, उसमें आप खुद को एनरोल कर सकते हैं, उसको आप यहाँ पर जरूर देखिएगा। 24 तारीख को हमारी इंट्रो क्लासेस कोर्स के लिए, आप वहां से स्किप प्रिपरेशन जो स्टार्ट कर सकते हैं। 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको यहाँ पर, वीडियो मिलेंगे समझाने के लिए, पीडीएफ फॉर्मेट मिलेगा, चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, गाइडेंस मिलेगी और व्हाट्सएप ग्रुप मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर एक जीएस सेक्शन जो है छूट गया है, तो उसके लिए कैलाश सर अभी क्या करेंगे, एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। वहां पर आपको सारा जो डेटा है अकाउंट्स ऑफ फाइनेंस का वो आपको बताएंगे, समझाएंगे। सो जीए के लिए जो क्या क्या क्वेश्चन थे किसके टॉपिक से, वो आपको उस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। और तो यही था इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चीज आपको क्लियर हुई होंगी। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस कीजिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।